हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा सकते हो। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा होगा। टॉप की कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी में आप मंथली बेस आईपी कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। जो करना है करो, लेकिन इस कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देना। अगर आप 25-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो क्वालिटी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा बनेगा ही। बुल रन स्टार्ट हो चुका है, बैंक निफ्टी 25,000 का हो जाएगा। तो आप लोग पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते रहिए। ये जो बुल रन है वो 1.5 सालों तक रहेगा। अभी पैसा नहीं लगाओगे तो 6-7 महीने बाद बहुत पछताओगे। COVID-19 का वैक्सीन जैसे ही आएगा निफ्टी 15-16-17 हजार का भी हो जाएगा। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि 5-6 महीने में बजाज फाइनेंस 6,000 का हो जाएगा। आज देख लो बजाज फाइनेंस कहाँ है। निफ्टी मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है, 8800 से मैं बोल रहा था निफ्टी 10,800 का हो जाएगा। आज देख लो निफ्टी 11,000 का हो चुका है, 11,200 का हो चुका है। तो आप लोग पैसा लगाइए, मंदी में पैसा लगाई जाती है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूं। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करें, कंपनी के धंधे के बारे में पता करें। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेस अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही आपको लॉन्ग टर्म में ढेर सारा पैसा बना के दे सकता है। और इसी टाइप की कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो देखो नेट सेल टर्नओवर मार्च 16 में था वो 4,861.40 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 8,714.64 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 4,861 से 8,714 हो चुका है। और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में टोटल इनकम था वो 4,875.02 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 8,722.79 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज, 4,875 से 8,722 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3,723.27 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 6,883.29 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 3,723 से 6,883 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो एबिटा था वो 3,736.89 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 6,891.44 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 3,736 से 6,891 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बनेगा ही। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा होगा, खरीद के रख लो, आप लोग की लाइफ बन जाएगी। क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाते हो भाई तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका पैसा बनेगा ही। साल में ये कंपनी आपको आराम से 40-50% रिटर्न बना के दे देगा, इससे ज्यादा ही देगा लॉन्ग टर्म में। प्रॉफिट एंड लॉस पर देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर बेस का शानदार ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो
809.55 था, मार्च 16 में 809.55 था, और मार्च 20 में देख लो 3018.30 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, ईयर टू ईयर वाइज 809 से 3018 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो पैट था वो 809.55 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 3018.30 हो चुका है, तो ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैट भी। एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 16 में जो एनुअल ईपीएस था वो 20.29 था मार्च 16 में, और मार्च 20 में देख लो 75.26 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज 20 से 75 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, 25-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो खरीद के रख लेना, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, इस कंपनी में आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। मुथूत फाइनेंस का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। इस कंपनी के बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर, ब्रांड एम्बेसडर है, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, टॉप की कंपनी है। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा होगा। 25-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इस कंपनी को जगह देना, मुथूत फाइनेंस में आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, और भैया अगर आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो रिटर्न तो बना ही लोगे लॉन्ग टर्म में। यही सब कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, मंथली एसआईपी करने के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, लमसम भी पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहो उतना इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। मुथूत फाइनेंस का बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुथूत फाइनेंस में पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट टाइम इस कंपनी पे वीडियो 505 रुपये के प्राइस से बनाया था, आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। तो ये वीडियो मैं 19 दिसंबर 2018 को बनाया था, किस प्राइस से बनाया था वीडियो प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 505 रुपये के प्राइस से बनाया था 19 दिसंबर 2018 को, और भैया अभी इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अभी इस कंपनी का प्राइस चल रहा है वो 1309 रुपया BSE पे, और लाइफ टाइम हाई है 1342 रुपया। तो 505 रुपये वाला स्टॉक अभी आपको 1309 रुपये के प्राइस से मिल रहा है, शेयर भाई डबल हो चुका है। तो आप लोग पैसा लगाइए, फिर से ये स्टॉक डबल होगा, 2 साल में इस कंपनी में आपका पैसा आराम से डबल होगा। क्वालिटी कंपनी का स्टॉक खरीदोगे तो आपका पैसा बनेगा ही, ये कंपनी डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है, तो खरीद के रख लो, आपकी लाइफ बन जाएगी। मनमपुरम फाइनेंस लिमिटेड में पैसा लगा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो मुथूत फाइनेंस से पैसा लगाना, क्योंकि इस कंपनी का बैलेंस शीट मनमपुरम फाइनेंस से ज़्यादा मजबूत है, इसलिए मैं इस कंपनी पे रिपीटेड वीडियो भी बनाते रहता हूँ। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कांटेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। और देखिए आपको अगर कोई कंपनी पसंद है तो पहले से खरीद के रखिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब स्टॉक दौड़ने लगता है, चलने लगता है, तब जाके पैसे लगाते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो कंपनी अच्छी है वो आज ना कर रिटर्न बना के देगा ही, ऐसा कभी नहीं होता है कि आज आप स्टॉक खरीदे कल ही सो रिटर्न बना के देना स्टार्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। जब मैं मुथूत फाइनेंस से वीडियो बनाया था तो काफी दिनों तक ये स्टॉक चला नहीं था, और जब चलना शुरू किया तो देख लो आज स्टॉक कहाँ है। तो आप लोग पहले से पैसा लगा के रखिए। इस समय IGL का शेयर नहीं चल रहा है, रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर नहीं चल रहा है, तो अभी आप लोग पैसा नहीं लगाओगे, जब ये स्टॉक दौड़ने लगेगा ना तो पीछे पीछे भागोगे। तो पहले से पैसा लगा के रखिए ना। लेकिन आप लोग को इतनी जल्दी है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकता। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है
तो पैसा बनेगा ही, IGL में आपका पैसा बनेगा ही, रिलैक्सो फुटवेयर आपका पैसा बनेगा ही। ये सब स्टॉक जब चलता है ना तो सीधे डबल होता है। राकेश झुनझुनवाला सबको बनना चाहता है, लेकिन आप लोग के पास समय ही नहीं है। कोई 2 साल के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कोई 6 महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कोई 4-5 सालों का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अरे भाई, राकेश झुनझुनवाला जी 40 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप भी 40 साल इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आप भी करोड़पति अरबपति बन जाओगे। कंपाउंडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। बहुत सारे लोग झुनझुनवाला जी कॉपी करते हैं। भैया, आप कॉपी पेस्ट करके पैसे नहीं बना सकते हो। आपके पास खुद का दिमाग नहीं है कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। मैं भी कभी बड़े बड़े लोगों को कॉपी पेस्ट करता था, मैं इसमें 3 साल बर्बाद किया हूँ। तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल ही मत कीजिए। आपको जो बिजनेस समझ में आता है, कंपनी समझ में आता है, उसी कंपनी में पैसा लगाइए। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, बुल रन स्टार्ट हो चुका है। ये जो बुल रन है वो 1.5 सालों तक रहेगा। मैं अपने वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस 6 महीने में 6,000 का हो जाएगा। 1.5-2 महीने से लगातार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस 6 महीने में 6,000 का हो जाएगा। निफ्टी मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है, 8,800 से मैं बोल रहा था, 2 महीने में निफ्टी 10,800 का हो जाएगा। आज देख लो निफ्टी कहाँ है, 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20,500 से मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 25,000 का हो जाएगा। देख लो बैंक निफ्टी में आग लग चुका है, 23,000 का हो गया 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही। तो आप लोग पैसा लगाइए। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो भैया, यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का IPO जो आया था वो अप्रैल 2011 में आया था, 175 रुपए के प्राइस पे आया था, और मैं इस कंपनी पे फर्स्ट टाइम वीडियो 505 रुपए के प्राइस से बनाया था। तो देखो ये कंपनी 3 साल में कितना टर्न बना के दिया है। तो देखो 3 साल में टर्न है वो 188.66% टर्न है, सेंसेक्स का टर्न है 19.08% टर्न है। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में 114.20% टर्न है, सेंसेक्स का टर्न है 0.42% टर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में 71.56% टर्न है, सेंसेक्स का टर्न है -7.55% टर्न है। तो भैया ये कंपनी 2020 में 71% का रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ है 15.80% है, सेंसेक्स है 8.08% है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 15.38% है, सेंसेक्स है 4.58% है। 1 डे में देख लो, 1 डे में -0.68% है, सेंसेक्स है 0.71% है। तो आप लोग मुथूट फाइनेंस में पैसा लगाइए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 1600 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। 25-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो मुथूट फाइनेंस को जगह देना। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाइए, तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।